मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वाइल्ड लाइफ बोर्ड की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट के बाद तेंदुआ स्टेट बनाने पर सभी को बधाई दी। इस बीच शिवराज ने वन प्राणियों के संरक्षण और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की। वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क में नाइट जंगल सफारी, बलून सफारी शुरू करने पर चर्चा की। इसके साथ ही जंगली हाथियों के रेस्क्यू, घड़ियालों की पुनर्स्थापना पर बात की गई। शिवराज ने टाइगर स्टेट के रूप में प्रदेश को और मजबूत बनाने को लेकर वन विभाग से बात की। प्रदेश में 3421 तेंदुआ हैं। देश में कुल 12852 तेंदुआ हैं। इस दौरान बाघों की पुनर्स्थापना हेतु सतपुड़ा, नौराडेही, संजय गांधी अभ्यारण्य को लेकर चर्चा की गई। अफ्रीकी चीतों की स्थापना हेतु संरक्षित कूनो, माधव, गांधी सागर और नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा की गई, जो कि राष्ट्रीय उद्यान भारत सरकार द्वारा चयनित किए गए हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून द्वारा सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है। शिवराज ने कहा, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी का संरक्षण कैसे हो, इस पर विचार किया गया है। सालिम अली पक्षी विज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान कोयम्बटूर के सहयोग से सरदारपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य धार में खरमोर पक्षी के प्रजनन केंद्र की स्थापना पर बात की गई है। इसके साथ ही सैलाना अभ्यारण्य, सरदारपुर अभ्यारण्य के पुनर्गठन को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने पन्ना में हीरा खदान को निरंतर रखने की बात कही और बताया कि NMDC हीरा खदान की लीज क्षेत्र क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से बाहर रहेगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।